जो पर्सन किया था दोबारा बताओ। ये रहते हैं हमारे एलिवेशन। एलिवेशन में हमें इसकी जो हाइट है चेंज करने के लिए हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें अपने जो लेवल्स हैं वो हमें साउथ जोन पे आएंगे इसके, किसी में भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, अभी कहीं भी कुछ किया नहीं है हम, ये यहाँ पे अभी सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हम अपने लेवल की हाइट जो है वो फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेवल वन या कुछ भी, जो भी हमें नाम देना है, तो बेसमेंट या कुछ। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा जो ये जीरो लेवल, एक हमें जीरो लेवल हमें रखना है, इस लेवल से हम या तो बेसमेंट के लिए हम नीचे चले जाएंगे और बाकी जो अपर लेवल है इसके लिए हम लोग ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसकी चेंज करनी है हाइट, जैसे ये 10 फीट आ रही है, तो हमें इसको सिलेक्ट करके जिस ऑब्जेक्ट को मतलब मूव करना है हमें, वही हमारा मूव होएगा, ठीक है, उसी को सिलेक्ट करना। अब यहाँ से हमें इसको चेंज करना, हम यहाँ से इसको कर देते हैं 12 फीट, तो ये मूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें इसे डाउन लाना है तो इसी को हमें सिलेक्ट करना है, जिसे हमें मूव करना है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी है। इसको डबल क्लिक करके हम इसे मूव कर सकते हैं, हाँ, यहाँ से करके इसको लिया हमने, यहाँ से हमने इसको 10 फीट दे दिया, ठीक है। अब आएगा हमारा लेवल क्रिएट करने के लिए, वो हम यहाँ से ले लेंगे लेवल, और यहाँ से जैसे ही हम किसी भी जो इसका नियरेस्ट लेवल होगा, जहाँ पे हम अभी क्लिक नहीं कर रहे हैं कुछ भी, सिर्फ हम लोग इसको मूव कर रहे हैं माउस को, और यहाँ से हमें ये हाइट दिखा रहे हैं कि किस हाइट पे हमें लेवल चाहिए। यहाँ से क्यों दिखाएंगे, इसके ऊपर क्यों दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करें ना, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से हम जाएंगे तो नीचे जाएगा, यहाँ से हमें जाना तो यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर जा करके हमें कितनी हाइट, यहाँ तो यहाँ पे डायमेंशन से ही आ रही है तो हम यहीं पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं आ रही है जैसे हमें 2 फीट 9 इंचेस लेनी है तो हम इसको टाइप कर देंगे 2 फीट 9 इंचेस, ये अपने आप पकड़ लेगा पॉइंट और हमें जैसे इसको यहाँ पे ट्रैक कर देंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से हमने यहीं पर इसको क्लिक किया था, अच्छा, इसको ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। और अब इन तीनों को, अब जैसे ये बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको यहाँ से उठा करके ड्रैग करके यहाँ तीनों नीचे नीचे से तीनों आ जाएंगे, हाँ, ये तीनों एक साथ हो जाएंगे, ये लॉक्ड है ना, तो ये अभी तीनों साथ के साथ चलेंगे, इसका कोई अलग अलग करने का कोई वैसा कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें इसको साथ में ही रखेंगे तो एक साथ हमारी ड्रैग हो जाएगी, ठीक है। अब हमें जैसे नीचे आना, नीचे वाला बेसमेंट हमें लेवल बनाना है, तो हम ये लेवल लेकर के नीचे की तरफ, जैसे ये आ गया हमारा, हमें इसे 4 फीट ले लेंगे, ये 4 फीट लेंगे तो यहाँ पे ये अपने आप हमें दिखा देगा कि ये -4 फीट नीचे आ गया, ठीक है। अब ये है एक तरीका, ये है हमारा लेवल क्रिएट करने का, एक तरीका है कि हम यहाँ से लेवल लें, जैसे हमें नंबर ऑफ लेवल्स बनाने हैं तो हम यहाँ से इसको लेवल का हाइट दे देते हैं 10 फीट, ठीक है, और यहाँ से पिक करते हैं, तो यहाँ से जहाँ जिस साइड पे, जैसे ऑफसेट हम कर रहे हैं नॉर्मल ऑफसेट जैसे करते हैं, ये हमारे लेवल्स आ जाएंगे, जितने भी लेवल्स, ये तब हम यूज़ करेंगे जब हमें इक्वल लेवल हाइट चाहिए होगी, मैं 10 फीट पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, हां ये सारे के सारे 10 फीट पे आ गए, ठीक है। यहां से किस पे क्लिक किया था हमने, जिसकी हमें हाइट देनी है, यहां से हमने 10 फीट दे दिया, क्लिक किया और यहां से क्लिक क्लिक क्लिक, तो यहां से जितने आपके नंबर ऑफ लेवल्स आएंगे वो सारे के सारे यहां पे आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम जा रहे हैं लेवल 1 पे, यहां पे हमें काम करना है, ठीक है। ये हमने लिया, ये डायरेक्शन एरोज हैं आपके, ठीक है, ये हमें उठा करके मूव करना है तो हम इसको मूव कर सकते हैं, तो इसको इसी के अंदर एलिवेशन दिखेगी, हाँ, इसी के अंदर की एलिवेशन दिखेगी, तो इसको हमें डिलीट नहीं होने देना, ठीक है, तो हम इसको उठा करके अगर बीच में आ रहा है प्रोजेक्ट के तो इसको हम लोग मूव कर लेंगे, ये आ जाएगी हमारी वॉल। अब जैसे ही हम कोई भी यहाँ से ऑप्शन लेते हैं, जैसे वॉल डोर कुछ भी लेंगे, ये लेंगे तो हमारा ये पार्ट हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइप सिलेक्टर रहता है, जैसे इसकी लाइब्रेरी में जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी हमें यहाँ पे ये दिखा देगा, ठीक है। वॉल है, जितनी भी टाइप्स की वॉल होंगी यहाँ पे ये सारी की सारी हमें दिखा देगा। ये इसके प्रॉपर्टी बटन रहते हैं, ये इसका ड्रॉ, जैसे हम अगर ऑटोकैड से कोई ड्राइंग लेकर के आ रहे हैं तो हमें जस्ट पिक करना है उनको लाइन्स को, तो वहाँ पे ये अपने आप वॉल्स मुझे भी दिखा देना है, कैसे लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये ड्रॉ है, अब यहाँ से ये हाइट है, हाइट मतलब कि हमें वॉल की हाइट कितनी देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ लेवल्स हमने दिए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आए होंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ लेवल 1 से लेवल 2 तक पर काम कर रहे हैं, ऊपर हम नहीं जा रहे हैं,
ठीक है, हमें जो वॉल की हाइट है इसको कनेक्शन देने में और अनकनेक्टेड रखने में क्या फर्क रहता है ये हम देखते हैं. लेवल टू पे हम दे रहे हैं इसकी हाइट का लेवल, ठीक है, ये आ गया. लोकेशन लाइन हम सेंटर लाइन ही रखेंगे, हम इसको इंटीरियर एक्सटीरियर रख सकते हैं, लेकिन सेंटर लाइन करने से क्या होता है कि जैसे हमने कभी कोई मटेरियल दिया, ठीक है, तो हमें मटेरियल हम दोनों साइड पे दे रहे हैं. जैसे एक वॉल है उसका ये पार्ट हमारा एक्सटीरियर साइड पे आ रहा है, ये पार्ट हमारा इंटीरियर साइड पे आ रहा है, तो हमें इंटीरियर में अलग मटेरियल देना है, एक्सटीरियर पे अलग देना, ठीक है. तो बाय चांस क्या होता है कि हमारा मटेरियल हम लोगों ने उल्टा दे दिया, हमने एक्सटीरियर वाला इंटीरियर में दे दिया, इंटीरियर वाला एक्सटीरियर, तो हम उसको फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है. तो फ्लिप करने से क्या होगा, अगर ये सेंटर लाइन आपका होगा तो वो फ्लिप अपनी ही जगह से फ्लिप करेगा, मतलब वो मूव नहीं करेगा कहीं पे. लेकिन अगर हमने इंटीरियर या एक्सटीरियर दिया होगा, जैसे अब ये है, अगर हमने ये इंटीरियर लाइन से दिया होगा तो ये फ्लिप क्या करेगा, ये इस लाइन को हमारा सेंटर मानेगा और इस साइड को हमारा यहाँ ले आएगा, तो वो डायमेंशन में फ़र्क आ जाता है, ठीक है. तो हम इसको सेंटर लाइन में ही रखते हैं. ये चेन है, अगर हमें कॉन्टीन्यूस वर्क करना है, ये टाइप्स ऑफ लाइन्स हैं जैसे हमें लाइन चाहिए होगी, ठीक है. अब यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, साथ साथ में हम इसकी डायमेंशन दे सकते हैं कि जैसे हमें ये 10 फीट चाहिए तो ये 10 फीट पे अपने आप काट देगा. यहाँ से हमें चाहिए, यहाँ से हमें 15 फीट चाहिए, यह अगर हम नहीं दे रहे हैं डायमेंशन, हम सीधे इसको दे रहे हैं यहाँ से, यहाँ यहाँ से, यहाँ कर देगा, नहीं क्लोज हमें करना है, एस्केप डबल एस्केप आपने करना है, ठीक है. अब ये क्या है, हमारी वॉल आ गई है, अब ये जो वॉल आ रही है, हम किसी भी वॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसका नाम 8 इंचेस वॉल है, पर हमें कौन सी वॉल चाहिए, 9 इंचेस, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, अभी हम सिंगल वॉल को ले रहे हैं, ठीक है, हम इसकी प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं, एडिट न्यू कर रहे हैं, यहाँ पे ये सारी एलिमेंट प्रॉपर्टीज देता है कि उसके लोकेशन क्या है, बेस क्या है, टॉप क्या है, सारा का सारा वो हमें यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज के अंदर. हाँ, प्रॉपर्टीज में ये इसकी एलिमेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है. हम एडिट न्यू करेंगे तो ये इसकी टाइप प्रॉपर्टीज आ जाती है कि इसकी थिकनेस कौन सी है, मटेरियल कौन सा है, ये सब चीज़ें हमारी टाइप प्रॉपर्टीज में आएंगी, ठीक है. तो हम यहाँ से इसको डुप्लीकेट करेंगे. डुप्लीकेट हम हर एक चीज़ को इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास 8 इंचेस वाली जो वॉल है वो एज इट इज़ रहे और जो हम नहीं बना रहे वो हमारी यहाँ पे नहीं बन रहे, ठीक है. अगर बाय चांस कल को हमें 8 इंचेस वाली चाहिए होगी तो वो हमें दोबारा से बनानी पड़ेगी, तो उससे बेटर है कि हम इसको डुप्लीकेट करके रखें, ठीक है. हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं 9 इंचेस, ठीक है, ओके. ये हमारा नाम चेंज हो गया. अब हमें इसकी थिकनेस चेंज करनी है, कहाँ पे, स्ट्रक्चर में, एडिट में, ठीक है. यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 9 इंचेस, ठीक है. अब इसकी थिकनेस चेंज, अभी हम इसको नहीं कर रहे, अभी ये हमारी 9 इंचेस होगी, ठीक है, ओके. ये हमारी 4 इंच. अब डुप्लीकेट करने से एक और क्या चीज़ होती है कि जो हमने सिलेक्टेड आइटम है हमारी वही चेंज होती है, बाकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, ठीक है. अब इसका हम नाम देखें तो क्या आ रहा है, 9 इंचेस. इसका नाम क्या आ रहा है, 8 इंचेस, क्योंकि ये हमने चेंज नहीं की है. तो वो 9 इंचेस ऊपर चलेगा, तो कौन से ऊपर है, कौन से नीचे, कौन सी डुप्लीकेट जो आपने बनाई है ऊपर क्या पता चलेगा, नीचे ऊपर कौन सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये हमारी 9 इंचेस आ रही है, ये हमारी सिर्फ एक लाइब्रेरी में ऐड हो गई है. अच्छा, लाइब्रेरी में ऐड हो गई है, हम उसे ले सकते हैं, ठीक है. अब ये 8 इंचेस वाली है, हम इनको सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस करेंगे तो ये एक तरह की जितनी चीज़ें होंगी सब सिलेक्ट हो जाएंगी. वो सिलेक्ट नहीं हो रही है ना, क्योंकि ये हमारी अलग से, हम इसको मैच प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं. अगर सिलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस कर देंगे तो सारा चेंज हो जाएगा. अब इसमें से कुछ चीज़ें हमें सेम करनी है, कुछ नहीं करनी है, तो मैच प्रॉपर्टी ले लेंगे. ये मैच प्रॉपर्टी है, इसको लिया, इसके साथ चेंज कर दिया, इसके साथ चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, ठीक है. अब हम देखें, इसको हमने लिया 9 इंचेस की है, राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस, एक तरह की ये होगी, इनको इनको. अब जो हमारी 8 इंचेस वाली है डायरेक्ट हम करना चाहते हैं, सिलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस किया, सब सिलेक्ट होगी, यहाँ से डायरेक्ट जा करके 9 इंचेस ले लेंगे, तो ये सारी की सारी हमारी 9 इंचेस की होगी, ठीक है. इस तरह से हम इसकी वॉल की थिकनेस चेंज कर देंगे. अब क्या था, हमारी इसकी हम लोग हाइट देख रहे थे, ये हमने इसकी हाइट क्या की थी, प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं, हमने इसकी लेवल टू किया था, ठीक है. अब हम एक कोई वॉल बना रहे हैं, अब इसमें क्या है, हम एक कोई वॉल बना रहे हैं,
जिसकी हाइट हम अनकनेक्टेड रखते हैं, अनकनेक्टेड मींस मतलब किसी के साथ में कनेक्टेड नहीं, ये अनकनेक्टेड है, हम इसकी हाइट 4 फीट रख देते हैं, ठीक है। ये हमने लिया, ठीक है, हम इसको एलिवेशन में देखते हैं। अब ये हमारी जो कनेक्टेड थी, ये हमारी अनकनेक्टेड है, ठीक है। हम इसको चेंज कर रहे हैं, अगर यहाँ से इसकी हाइट को हम चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ से इसको 13 फीट दे रहे हैं, तो ये उसके साथ में चेंज हो रही है, ठीक है, ये इसके साथ चेंज हो जाएगी। अब अगर हमने जैसे इसकी हाइट कम रखी हुई है, तो ये तो ऑब्वियसली इसके साथ में चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर हम एक कोई हाइट ले रहे हैं, हम एक कोई वॉल ले रहे हैं जिसको हम अनकनेक्टेड रख रहे हैं, लेकिन उसकी हाइट हम 10 फीट ही रख रहे हैं, 10 फीट की ना इसकी, ये ली यहाँ से एलिवेशन में देखें। अब क्या होगा कि इसको हम ले रहे हैं, इसको हम चेंज कर रहे हैं 14 फीट, इसी साथ चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, वो जो कनेक्टेड थी वो चेंज हो जाएगी। अब इसकी भी हाइट हमने बराबर रखी हुई थी, लेकिन ये चेंज नहीं हुई। अगर मैं इसमें कनेक्टेड रखता तो वो भी इसके साथ चले जाएगी, ओके ठीक है। कनेक्टेड और अनकनेक्टेड का ये हमारे पैरापिट्स वगैरह जैसे हमें बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम लोग लेवल्स क्रिएट नहीं करते हैं, फिर हम सिर्फ इसको अनकनेक्टेड रखते हैं, तो उसके साथ में पैरापिट वगैरह हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये आगे हमारा वॉल, अब हम इसके एलिवेशन में लेते हैं। ये हमारे पास वॉल है, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें इसको एडिट करना, इसके बीच में कुछ फंक्शंस देने हैं, जैसे हम बुलियन करते हो उस तरह से करना। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, ये हमारे पास ये पार्ट हाईलाइट हो गया, हम इसको एडिट कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन ली, किस तरह से करना है, ये लेना है यहाँ से, हम ये हाइट हमने बता दी थी, हाइट से ऊपर आ रहे थे, हाइट नीचे आ रहा है, कौन सी लूजर करो पल्लू पल्लू टाइम करने का है, ये लो ड्रॉ करो ना, ड्रॉ ये सारी बता रहे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से बेस लेवल नहीं बता रहे, तो बेस लेवल तो वो हम करेंगे ना चेंज। अच्छा ये आ गया, हाँ ये चेंज हो जाएगा, यहाँ से उसको कर दो, ठीक है। ये ऊपर से है, इसको कितना करना है आपको, दो सौ, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करो, ये चेंज करो, ये हो गया, ठीक है। ये लिया हमने, हमने अलग तरह का ले लिया, सर्कल ले लिया, ठीक है। सर्कल का रेडियस आपको देना, ये दे दो आप, ठीक है। ये आ गया, ये बन गया हमारा, हमने इसको कर दिया यहाँ से फिनिश, तो ये हमारा यहाँ से फंक्शन हो गया। उसको एडिट ही करना है हमें, अगर हमें कुछ इसमें से पंक्चर करना है, उसके लिए हमें एडिट कंट्रोल वाई वाई करना। हाँ ये था, बैक कैसे किया तुमने इसको लिया, यहाँ से रिमूव स्केच करना, रिमूव स्केच किया, ओके ठीक है। रिमूव स्केच करने से जितनी स्केचिंग की होगी सब हट जाएगी, लेकिन अगर कुछ पार्ट हमें नहीं चाहिए, कुछ चाहिए है, तो उसके लिए हमें यहाँ से इसको एडिट करना पड़ेगा। जैसे हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, तो हमें इसको डिलीट करना, ये चीज़ बताओ, मैं अभी बताने वाली थी, ठीक है। ये इस तरह से अब हमें कुछ ड्रॉ करना है, हम लाइन्स देंगे, यहाँ से हमने टाइप्स ले ली थी, हमने ये सिंगल लाइन ली है, यहाँ से हमें इस शेप में चाहिए, ये आर्क नहीं आएगी, आर्क भी आ जाएगी, ये टाइप्स है ना यहाँ पे, मैंने यहाँ से आर्क चाहिए मेरे को, ये आगे सिंगल लाइन ले लो, सिंपल होगा, टूटेगी नहीं ना ये, नहीं ये क्योंकि यहाँ से हमारी चेन ऑन है ना, ओके अच्छा, ठीक है। पर जैसे हम ऑटो कैड में करते हैं ना, हमारी पी लाइन ऑन होती है, हाँ हाँ वो टूट जाती है, पी लाइन में हमारी वो कॉन्टिन्यूशन में होती है, उसमें कर्व नहीं दे सकते हम, नहीं उसमें पी लाइन में हम दे सकते हैं, पी लाइन में दे सकते हैं, सिंगल सिंपल लाइन में नहीं दे सकते, जो पॉली लाइन रहती है उसमें हम दे सकते हैं, सिंपल लाइन में नहीं दे सकते। अब ये हमारा बन गया फिनिश, ये कर दिया, कलर भी आता मैसेज आता है, अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे ही होता है, ऐसी ऐसी क्वेरीज आती है ना, फिर ऐसे ही दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप मुझे कह रहे हो ना कि करते करते क्या है, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। ये आता है, अब हमें अगर जैसे ये नहीं चाहिए, रिमूव स्केच कर देंगे, सारा रिमूव हो जाएगा, एडिट करेंगे तो एडिट करेंगे, ये नहीं चाहिए है हटा देंगे, फिनिश कर देंगे। अब इसमें हमें
जैसे हमने ये वॉल्स बनाई थी, तो अब हमें इसकी डायमेंशन मतलब इसकी जो डिस्टेंस था बीच का वो हमें चेंज करना, वो हमने अभी ऐसे ही दे दिया था, हमने कोई डायमेंशन नहीं दी, हमने इसको सिलेक्ट किया जिसको हमें मूव करना था, हमने इसको सिलेक्ट किया। अब ये जो डायमेंशन हमें दिखा रहा है ये सेंटर टू सेंटर दिखा रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर लोकेशन लाइन सेंटर टू सेंटर दी, ठीक है। हम इसको इस पर क्लिक करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली अंदर आएगा। हाँ, वापस करोगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा, क्लिक करके अंदर की साइड करना पड़ेगा। आप क्लिक करोगे ये सेंटर में आएगा, क्लिक करोगे अंदर आएगा, क्लिक करोगे बाहर चला जाएगा। अब जो ये डायमेंशन आ रही है ये आपकी आउटर टू आउटर आ रही है, हमें पर इनर चाहिए। एक तरीका हमारे पास ये होता है, पर ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि हमें क्लिक करने पड़ते हैं। हम इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं, ये 12 फीट है, ये इनर डायमेंशन हमारी 12 फीट है। कम हो गया, ये चेंज किया ना हमने, यहाँ से सिलेक्ट किया, पांच करना, ओके ठीक है। ये क्या पूछ रहे हैं, वो बीच का, ये बीच में हमारा कट था ना, अच्छा अच्छा ठीक है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमने लिया इनर लिया, यहाँ से हम इसको 15 फीट कर देते हैं, ठीक है। एक तरीका हमारे पास ये है, ये इधर से वहीं तक, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया था ना, हमने इसको सिलेक्ट किया, हम इसको मूव कर रहे हैं। अभी अभी इसको सिलेक्ट कर रखा है, अगर इसको सिलेक्ट करोगे ये मूव होगा, ये क्लिक करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना, हां सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करना पड़ेगा, ये ऊपर चले गए। ये अब देखो, अब यहां पे ये था, इसके आगे पीछे कोई और लाइन नहीं थी, तो ये सिंगल यही डिस्टेंस दिखा रहा था, ठीक है। अब हमारे पास ये वॉल है तो इसका ये डिस्टेंस भी है और ये डिस्टेंस भी है, ठीक है। हम यहाँ से कर रहे हैं, हमारे पास ये इसका देखो, इसका ये डिस्टेंस भी आ रहा है और इस वॉल के साथ में ये डिस्टेंस भी आ रहा है। अब हमारे पास दोनों ऑप्शंस है कि हम इसको यहाँ से यहाँ करना चाहते हैं या यहाँ वहाँ करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हमें ये वाली डायमेंशन पता है, अगर हमें ये डायमेंशन पता है तो हम इसको क्लिक करेंगे, अगर हमें ये डायमेंशन पता है तो हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे इसको हमने किया 5 फीट कर देते हैं तो ये सेट मूव हो जाएगा, लेकिन अगर हमें इसका पता है कि ये हमारा 8 फीट है, मतलब अब यहाँ से हमें जाना है तो ये 3 फीट है, तो ये हम इसको उस साइड मूव हो जाएगा, ठीक है। जिस साइड मूव करना है उस साइड की डायमेंशन हम ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से लेंगे तो अब देखो यहाँ से यहाँ का दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ का दिखा रहा है, क्योंकि इसके दोनों साइड वॉल्स हैं, हम दोनों साइड इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और डायमेंशन वहाँ से देते हैं, एक होता है कि हम यहाँ से डायमेंशन लें, ठीक है। हमें ये कहाँ से देना है, अभी भी ये सेंटर टू सेंटर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेफरेंस हमने दी है सेंटर लाइन में। अब हम इसको बाय फेस करना चाहते हैं, अगर तो हम वॉल फेसेस दे देंगे, हमें इसको अब इनर फेस से देना है, इनर फेस टू इनर फेस देना, ये हमारे पास आ गया। एक लिख यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक इधर किया, ठीक है। यहाँ लिख किया दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास सारी इनर डायमेंशन आ रही हैं, हमने इसको लिया, यहाँ लिया 16 फीट, ये आ गया, हमने इसको सिलेक्ट किया। अब हमें कोई क्लिक्स करने की ज़रूरत नहीं, अब हमने इस डायमेंशन को देखना ही नहीं है, हमने इसको लिया, हमें पता है ये 18 फीट है, ये मूव हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास है, ये हमारे पास 10 फीट है, ये आ गया, यहाँ से हमारे पास 15 फीट है एग्जैक्ट, ये आ गया, हम इसको चेंज कर सकते हैं और बाद में हम इसको, ठीक है। ये आ गया हमारा वॉल्स का। अब वॉल्स में एक रहता है, जैसे हमने ये सिंपल वॉल बनाई थी, हमें यहाँ पे आर्क में चाहिए, वॉल ले लो, ये आर्क आ गई, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड ये, और जितना हमें इसका ये, ठीक है, ठीक। अभी क्या है इस वॉल में हमारी पास ये आ रही है ब्रिक वॉल, ठीक है। इस ब्रिक वॉल को हमें चेंज करना है कर्टन वॉल में, ग्लास, अच्छा ग्लास में, ठीक है। ये हम ले रहे हैं वॉल को सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहीं से हम जाएंगे टाइप सिलेक्टर से, इसके में हमारे पास है ये कर्टन वॉल, बेड वॉल प्रीसेट पहले से बनी हुई है या आपने, ये बनी हुई है, ये हमने कुछ नहीं किया, ये बनी हुई है, ये कर्टन वॉल लिया, ये हमारे पास ग्लास वॉल आ जाएगा। अब ये है कि जैसे हमारे पास ये विदाउट शेडिंग आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास
कर्टेन वाला समझ गया, कर्टेन वाला ऐसे होते हैं कि वॉल भी तो होती है ना, तभी उसके बीच में लगी थी पूरी ग्लास की थोड़ी सी, वो अभी हमने पूरी की पूरी वॉल को कर दिया है ना, उसको भी हम कर सकते हैं, पर अभी जो है हमने ये पूरी वॉल को कर दिया, ठीक है। अब ये है हमारे पास, हमने अब इसको चेंज करना है, ये है हमारे पास, ये वायर में चाहिए, ये हिडन लाइन चाहिए, हिडन लाइन चाहिए, ये हमारे पास शेडिंग आ गया, ठीक है, हमारे पास शेडिंग विद एजेस आ गया, हम इसको शेडिंग विद एजेस रखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इसकी शेडोज आ जाती हैं, अभी ऑफ है, हम इसको ऑन कर देते हैं, ये शेडोज ऑन हो जाए, ठीक है। ये हम पर सबसे लास्ट में हम इसको ऑन करते हैं, क्योंकि अभी हम ये रेंडरिंग आ गया, ये आ गया क्रॉप व्यू, क्रॉप व्यू हो गया, ये क्रॉप हो गया, यहाँ से हम करेंगे ये क्रॉप हो गया, यहाँ से क्रॉप हो गया, अभी बता रहे हैं ये शो क्रॉप रीजन, इसको करेंगे तो ये हमारे पास ये क्रॉप रीजन आ गया। जैसे हम लिमिट सेट कर देते हैं कि हमारी जो ड्राइंग बनेगी इसी के अंदर बनेगी, हम अगर अब कुछ वॉल बनाते हैं यहाँ पे तो हमें इसके बाहर का पार्ट वो नहीं दिखाएगा, ठीक है, तो हम इसको एंड में करते हैं, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम इसको वो नहीं करते हैं क्रॉप, क्योंकि अभी भी जैसे आप बनाओगे कोई वॉल, आपने क्रॉप किया हुआ है तो आपको इसके बाहर का वो पार्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो हम इसको क्रॉप नहीं करते हैं, हम कहीं पे भी काम करेंगे जैसे क्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। और ये है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमें हाइड करना है, इसमें अब वो नहीं है, क्या बोलते हैं ऑटो कैड में क्या होता है हमारे पास, हाइड करने के लिए, कुछ बनाते हैं ना हम इसमें, हम इसको हाइड कर दें, इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने इसको हाइड कर दिया, ये सिंगल एलिमेंट हमारा हाइड हो गया, वापस लाना है, रीसेट टेम्परेरी करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा वो चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो हम ले रहे हैं, आइसोलेट एलिमेंट करेंगे तो वो सिंगल एलिमेंट रहेगा, बाकी सब जाएंगे, रीसेट करेंगे, इसको हम ले रहे हैं, वहाँ से हाइट कैटेगरी करेंगे तो उस कैटेगरी की जितनी चीज़ें होंगी सब हाइट हो जाएंगी, ठीक है, रीसेट वापस करेंगे, और आइसोलेट कैटेगरी उस कैटेगरी की रह जाएंगी, बाकी सब हाइट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आप कह रहे हो कि हमें वो जो बीच में हमें चाहिए वॉल नहीं चाहिए थी, तो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, हम इसको वापस ब्रिक वॉल में ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है, हमने ये लाइंस ले ली, हमने ये एडिट कर दिया, ठीक है, इसको हमने फिनिश कर दिया। अब इस पार्ट में हमें ग्लास वॉल चाहिए, तो हमने लेवल वन ले लिया, ये हमें कट दिखा रहा है, हमने कर्टन वॉल ले ली यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसको हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अभी ये क्या है कि यहाँ से जब हमने कर्टन वॉल ली थी तो वो हाइट वही हमें दिखा रहा था, तो इसीलिए ओवरलैप कर रही है। हम एलिवेशन में चले गए, हमने ये सिलेक्ट किया, हम इसको डायरेक्ट ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे, ये वॉल भी डायरेक्ट है क्या, हाँ, जो हमारी ग्लास वॉल है, अच्छा ग्लास वॉल है, साइड से भी हो गया ना, या नहीं, हमने इतना ही रेक्टेंगल बनाया था ना वॉल के बीच में, तो फिर आपने तो उस ग्लास को ऊपर से ऐसे नीचे कर दिया, इसको नीचे कर दिया, तो फिर इस साइड से क्या हुआ, साइड से तो हमने उतनी ही ड्रॉ की थी ना जितना ये हमारा कट था, अच्छा ऊपर से, ओके, उतना ही हमने बनाया था, हम इसको लेवल में जाके बना रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमने उतना ही इसको ड्रॉ किया था और एलिवेशन में जाके हमने इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल का फायदा क्या हुआ, कि हमारे इतने ही पार्ट में हमारी ग्लास वॉल हमें चाहिए थी ना, ठीक है ना, हमें जितना जैसे हमारा होगा, हम इसको नॉर्थ में चले जाते हैं, हम ये वॉल ले लेते हैं, एडिट करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आई। अब हमें यहाँ पे वॉल चाहिए, हमने इसको फिनिश कर दिया, लेवल वन में चले गए, ये हमारे पास कट्स आ रहे हैं, हमने वॉल ली, यहाँ से कर्टन वॉल ली,
हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको यार कितना भी कर लेंगे, लंबा कर लेते हैं, ब्लॉक में चलेंगे, यहाँ से हमने इसको शेडिंग कर दिया, ये है ठीक है। हमें कहाँ चाहिए, ये यहाँ पे चाहिए, हम इसको यहाँ तक लगा दूसरा क्लास आ रहा है गंदा ये नॉर्थ साउथ के चक्कर है, नॉर्थ साउथ बने वो ये लेफ्ट राइट व्यू होता है, ईस्ट वेस्ट मतलब वो नॉर्थ टॉप टॉप व्यू नहीं था किसमें टॉप व्यू का है ना, टॉप व्यू ये आ गया ना हमारे सुपर लेवल ये नॉर्थ में आ गया, ये हमारे पास इसके बीच में ये आ गया ठीक है। अब हमें इसको अगर एडिट करना है, ये पूरी की पूरी आ रही है, हम इसको यहाँ से यहाँ ले आते हैं, थोड़ा पास ले लेते हैं ठीक है, हम इसको एडिट कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये सर्कल्स में चाहिए, बाहर नहीं चाहिए, तो हम ये लाइंस ले रहे हैं और ये पिक कर रहे हैं, इसको पिक कर लिया, इसको कर लिया, इसको ठीक है। हाँ डिलीट कर दिया ठीक है, और फिनिश किया और हमारे पास आए ठीक है। इस तरह से हम इसको एडिट करके कहीं पर भी हम इसको लगा देंगे। अब आ गया हमारे पास बस देख लो, नहीं आप देख लो, एक वॉल का खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास थी ये वॉल, या हमारे पास थी ये वॉल, हमने इसको क्या किया, ये वॉल बनाई, हमने इसको चेंज कर दिया कर्टन वॉल, कर्टन वॉल। अब हमें इसके बीच में ग्रिड्स देंगे, हमारे पास ये ग्लास है, ये मलियन आ रहे हैं ठीक है, तो इसके लिए हमें हमारे पास एक ग्रिड होनी है, ग्रुप्स हमें चाहिए, या सिंपल ग्रुप चाहिए, या अगर हमें इस तरह के फ्रेम्स अगर इसमें फिक्स करने हैं तो उसके लिए हमें ग्रिड्स चाहिए ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम मॉडलिंग में जाते हैं ठीक है, यहाँ से हमारे पास कर्टन ग्रिड है, कर्टन ग्रिड लिया और इस वॉल में रख के इसको प्लेस किया कितनी है, लेकिन डिस्टेंस हमें नहीं पता, हम नंबर ऑफ ग्रिड्स दे देते हैं, एक दो अंदाजे से दे देते हैं कहीं पे भी ठीक है, ये हमने दे दिया ठीक है। अब हमें इसको इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन लेंगे फर्स्ट पॉइंट से, यहाँ इसको कॉन्टीन्यूटी में हम इसको क्लिक करेंगे, तोड़ेंगे नहीं बीच में ठीक है। अब जैसे ये टूट गया ठीक है, अगर हम यहाँ से अब इसको इक्वल करते हैं तो ये सिर्फ इतनी ही ग्रिड्स को इक्वल करेगा ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्लिक मार देना है सब पे, हमें और एक क्लिक बाहर भी करना है, लास्ट क्लिक हमें बाहर करना है ठीक है, और हम इसको यहाँ से इक्वल कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा ठीक है। इसी तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, अब इसके लिए भी हम यहाँ से वही अभी बता रही हूँ, ये आ गया हमारे पास, अब इसमें फ्रेम्स नहीं है तो फ्रेम्स हमें लगाने में जाएंगे मॉडलिंग, यहाँ पे मूल्यन लेंगे हम, ये वाला पार्ट हमारा हाईलाइट हुआ, एट मिलियन और ग्रिड लाइन सेगमेंट पे करेंगे तो ये सिंगल सेगमेंट में आएगा, एंटायर ग्रिड लाइन पे करेंगे तो ये फुल एक लाइन पे आएगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम क्या करते हैं ऑल एम्प्टी सेगमेंट्स पे कर देते हैं, एक क्लिक करेंगे तो ये सब सेगमेंट्स पे आ जाएगा ठीक है। ये एक तरीका हमारा ये हुआ जो हम मैनुअली इसमें बनाते हैं, एक हो जाता है कि हमने ये वॉल ले ली ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया कर्टन वॉल में
ठीक है, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, एडिट न्यू करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे इसको, ठीक है, और उसको ये नाम कुछ भी नाम जो भी डुप्लीकेट करना जरूरी है, हाँ डुप्लीकेट करना जरूरी है हर ऑब्जेक्ट को, क्योंकि फिर सेम प्रॉपर्टीज़ का अगर आपको वापस चाहिए होगा तो वो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे इसको दे देते हैं ग्रिड्स, तो आपके पास जो प्लेन ग्रिड वाली प्लेन जो वॉल है वो नहीं रहेगी, वो आपको फिर बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, वर्टिकल मूलियंस और हॉरिजॉन्टल मूलियंस। हम क्या करेंगे यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास ये वर्टिकल ग्रिड पैटर्न और हॉरिजॉन्टल ग्रिड पैटर्न लेआउट है, हम लेआउट से इसको कर देंगे फिक्स डिस्टेंस या फिक्स नंबर। फिक्स डिस्टेंस से क्या होगा कि अगर हमारे पास 10 फीट 9 इंच की वॉल है, हम डिस्टेंस दे देते हैं एक 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 फीट का, तो लास्ट में क्या होगा कि 6 इंच हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, फिक्स नंबर दे देते हैं, फिक्स नंबर कर दिया, यहाँ पर भी हम इसको फिक्स नंबर दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लेआउट में हमने इसको चेंज कर दिया, ओके किया। और अब यहाँ पे हमारे पास ये नंबर में हमें पूछ रहा है कितने नंबर देने हैं, हॉरिजॉन्टल में हमारे पास हम कह रहे हैं इसको हमारे पास 8 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और वर्टिकल में हम कह रहे हैं कि हमारे पास 4 ही हैं, हॉरिजॉन्टल में 4 आ जाए और वर्टिकल में हमारे पास 8 आ जाए, ठीक है। हमने ओके किया, ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो हमें इसमें नहीं करना पड़ेगा। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यूज होता है जो सर्कुलर वॉल होती है, क्योंकि जो हमारे पास स्ट्रेट वॉल रहती है उसमें तो मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग सर्कुलर में हम करने जाएंगे तो उसमें हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आता, हम नहीं दे पाएंगे एंगल्स उसको, एंगल्स उसको हमें अलग से फिर उसको पूरा का पूरा चेंज करना। इसको वही रहेगा, इसमें आप क्या क्या रहता है, जो हमारी सर्कुलर वॉल रहती है उसमें हमारे पास एडिट नहीं आता, उसमें हमारे पास आता है, हम इसको लेते हैं, हमारी कौन सी एलिवेशन है ये ईस्ट, ठीक है, ये हमारे पास है, ये सर्कुलर वॉल है, यहाँ पे ये ओपनिंग आती है, ठीक है, यहाँ पे एडिट नहीं आता, हम ओपनिंग ले लेंगे और यहाँ से इसको हम चेंज कर देंगे जितना होना चाहिए। ये ओपनिंग आ रही है, ये आपकी हाइट आ रही है, ये सब आ रहा है, और यहाँ पे आप इसके बीच में कर्टन को दे दोगे, ठीक है, ये आपने ले ली वॉल, यहाँ से कर्टन वॉल, और इसको डायरेक्ट हम पिक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ड्रॉ करना हो जाएगा, हम इसको पिक कर लेते हैं। अब ये ओवरलैप कर रही है क्योंकि इसने पूरी वॉल को पिक किया है, तो हम इसको यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ ले आएंगे, ये आ रही है ना, और यहाँ से इसको पकड़ के एग्जैक्ट स्नैप नहीं करेंगे उसपे, ठीक है। पर अभी क्या है, सर्कुलर वॉल हमने ये लगाई है, ये लगती है हमारी स्ट्रेट, अब इसमें जब तक हम कट्स नहीं देंगे तब तक ये सर्कुलर नहीं होगी, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही दे देंगे, इसमें एलिवेशन में चले जाएंगे या यहीं से दे देते हैं मॉडलिंग में, कर्टन ग्रिड यहीं से हम दे देते हैं, पर इसमें यही होता है कि हमें एंगल्स इसके देखने पड़ेंगे कि किस एंगल पर ये आ रही है, किस एंगल पे हमारी ये सेट बैठी है, ठीक है, बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, या हाँ बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ है हमारे पास ऊपर को ऊपर रखते हैं थोड़ा, हाँ ये ग्रिड है, ये एंगल आ रहा है जो सर्कुलर होगी उसमें ये एंगल पूछेगा, ठीक है, तो हम इसका एंगल जो है ग्रिड को सिलेक्ट करेंगे और ये एंगल आ रहा है, जो भी एंगल हमें इसका चेंज करना होगा हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर हमें इस तरह से नहीं करनी है, हमारे पास फुल वॉल है, हम ये ओपनिंग को डिलीट कर सकते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास पूरी की पूरी राउंड वॉल है, ठीक है, हमारे पास ये कर्टन वॉल है, ठीक है। अब इसमें हमें चेंज करना है, अब जैसे हमारे पास वो टाइप बन गई है लेवल जो हमने ग्रिड्स वाली बनाई थी, हम इसको डायरेक्ट इसी को ही हम चेंज करके
सिलेक्ट करके हम कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें ये नंबर ऑफ ये चेंज करनी है, जैसे कि यहाँ पे 8 थे या यहाँ पे 4 थे, हाँ, तो हम इसको प्रॉपर्टीज में जाके एडिट न्यू करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे इसको भी. ठीक है, ओके. यहाँ पे फिक्स नंबर्स हैं, हम ओके करेंगे और यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं. जो हमारे पास 4 आ रहे थे हम इसको 8 कर देते हैं और यहाँ से हम इसको 4 ही रहने देते हैं. ठीक है, आपको मलियंस लगाने हैं, ये मलियंस लिए ऑल एम्प्टी सेगमेंट्स और यहाँ पर मलियंस. अब मलियंस हमें अगर चेंज करनी है, मलियंस की टाइप हमें चेंज करनी है, हमने सिंगल मलियन को सिलेक्ट किया, ये लिया, सिलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस कर देते हैं. तो ये जितने भी आपके इंस्टेंस होंगे सबको सिलेक्ट करेगा और ये टाइप सिलेक्टर में से ये आपके पास ये है जो भी आपको चाहिए वो आप तो वो आप बना सकते हो. बनाएंगे नहीं, प्रॉपर्टी में बेवल भी मेरे ख्याल से एंगल भी यूज करते हैं. इसकी प्रॉपर्टी में ना बेवल्ड है कुछ, प्रॉपर्टी में बेवल्ड है कुछ इसकी ना प्रॉपर्टी जाओ ना यहाँ पर एक इसके अंदर बेवल ऑप्शन ऑफसेट एंगल तो वो हम बना सकते हैं खुद, वो मैं आके बताऊंगा. ठीक है, ये हमारी सर्कुलर वॉल और स्ट्रेट वॉल और ग्लास वॉल और वॉल को एडिट करना वॉल की है. ठीक है, okay, if you like this tutorial, please like and subscribe our channel. And this is our website. This is courses, architectural courses, AutoCAD, photo. We have architectural courses, AutoCAD, Photoshop, Dialex, CDSMAC, Rhinoceros, Media Lighting, Revit Architecture, and other courses also is there. And this is our YouTube channel. This is Gemini Architecture. Please subscribe our channel and press on bell icon. Thank you for watching our video.